एक बार फिर गोरखाओं के हक की मांग के लिए उठाया गया कदम। हमरो पार्टी के प्रेसिडेंट अजय एडवर्ड्स ने दिया एक बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले दार्जिलिंग हिल्स की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अजय एडवर्ड्स ने गोरखाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस हासिल करने के लिए 3-पॉइंट फार्मूला प्रस्तावित किया है। हमरो पार्टी के प्रेसिडेंट अजय एडवर्ड्स ने एम्पिरिकल फैक्ट्स के आधार पर गोरखाओं की इच्छाओं और अन्य बढ़ती राजनीतिक आकांक्षाओं को देखने और उसे एकोमोडेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में सेकेंड स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की नियुक्ति का दावा किया है। एडवर्ड्स ने कहा कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज फजल अली की अध्यक्षता में फर्स्ट स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश के कारण 1956 में 14 नए स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ था। एडवर्ड्स के अनुसार 2002 की 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2026 तक सभी लोकसभा और विधानसभा सीटें तय की गई है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में गोरखाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। आर्टिकल 244A पर आधारित रीजनल ऑटोनोमी का एक अंतिम संस्करण जो एक ऑटोनोमस स्टेट्स को राज्य और कंकरेंट लिस्ट दोनों में स्टेट किसी भी विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। हमरो पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स के बीच सिविल अनरेस्ट को रोकने के लिए इस आर्टिकल को आगे सप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिसमें सारे लेफ्ट आउट कम्युनिटीज को एसटी के लिस्ट में शामिल करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि इस कमीशन के लिए फंड्स डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से दी जाएगी। राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक यह बॉडी एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।